हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द गोल्डन लाइट रिटन बाय श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो की एक और पोएम है द रोज ऑफ गॉड, जो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस और अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, लिंक हम अंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। श्री अरबिंदो एक इंडियन मिस्टिक और सेंट और पोइट थे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द गोल्डन लाइट। ये एक सोनेट है जिसे लिखा गया 14 लाइन्स में, विच कंटेन्स 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट। और ये जो है वो शेक्सपियरियन स्टाइल का सोनेट है। इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी, और इसका थीम जो है वो है डिविनिटी एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस पोएम की 1 मिनट समरी शॉर्ट्स वीडियो में मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो लेट्स बिगिन। द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई ब्रेन। द गोल्डन लाइट, यहाँ पर पोइट जो है, जब एक इंसान को आत्म साक्षात्कार होता है, वेन ही गेट्स दैट स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम, तो उस यहाँ पर उस इंसान को उस वक्त पर यह अस्तित्व कैसे फील होता है, हाउ ही कैन फील द डिविनिटी एवरीवेयर, वो इसमें हमें दिखाया गया है। जैसे हमारे हमारे बॉडी में ऐसा माना जाता है कि 7 चक्रास है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे डिविनिटी जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब हेड से लेकर टोज तक जो है कैसे ट्रैवल करती है, वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। सो लेट्स बिगिन। द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई ब्रेन। तुम्हारी सुनहरी ज्योति, मतलब द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई ब्रेन, उतर कर नीचे आ गई है मेरे मस्तिष्क में, मतलब मेरे विचारों तक। एंड द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड सनटस्ट बिकेम। सनटस्ट का होना मतलब प्रकाशित होना, और जो मेरे ग्रे रूम्स थे मतलब अंधकार, जहाँ पर अज्ञान का अंधकार था मेरे मन में, वो संतुष्ट हो चुका है। संतुष्ट हो गया मतलब वो अंधेरा दूर हो चुका है, और मेरा मन जो है वो उजाले से भर गया है, ब्राइट हो गया है। अ ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑकल्ट प्लेन। ये गोल्डन लाइट की वजह से क्या हुआ है कि ऑकल्ट का मतलब होता है मिस्टीरियस, रहस्यमय, और विजडम मतलब बुद्धि। ओके, तो बुद्धि का ये जो रहस्यमय धरातल है, प्लेन है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक 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 सीक्रेट जो है, वी डाइव डीप इन टू द मेडिटेशन, तो अलग अलग चीज़ें जो हमें एक्सपीरियंस होती है, तो उसी को रेफर करते हुए पोइट कह रहे हैं कि रिसीविंग योर गोल्डन लाइट इज़ लाइक अ ब्राइट रिप्लाई टू ऑल दोज मिस्टीरियस थिंग्स विच वर हिडन इन द डीप ऑफ द माइंड। अ काम इल्यूमिनेशन एंड अ फ्लेम। अ काम मतलब एक शांत, इल्यूमिनेशन चमक है, ये प्रकाश है, एंड अ फ्लेम या ज्वाला है। मतलब ये गोल्डन लाइट जब इंसान के अंदर उतर जाता है, व्हेन ही गेट्स द स्पिरिचुअल नॉलेज, तो उस इंसान के अंदर एक शांत, कभी ना ख़त्म होने वाला एक प्रकाश, एक ज्योति, एक आग जो वो क्रिएट हो जाती है या प्रकाशित हो जाती है। द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई थ्रोट। अब यही स्वर्णिम प्रकाश, यही गोल्डन लाइट अब मेरे थ्रोट में आ चुका है, ब्रेन से ट्रैवल करते हुए थ्रोट में आ गया है। एंड ऑल माई स्पीच इज़ नाउ अ ट्यून डिवाइन। अब जबकि मेरे कंठ में तुम्हारा वास है, तुम्हारी गोल्डन लाइट आ चुकी है, तो मेरी वाणी जो है वो एक दिव्य धुन बन चुकी है। अब मैं कुछ भी बुरा नहीं बोल पाता हूँ। अ पेन सॉन्ग ऑफ दी माई सिंगल नोट। पेन सॉन्ग का मतलब होता है स्तुति गीत। तो मेरा हर एक स्वर जो भी मेरे जुबान से निकल रहा है, अब वो तुम्हारी सिर्फ स्तुति करने के लिए निकलता है। मतलब मेरा हर एक स्वर जो है वो इट कम्स आउट ऑफ माई थ्रोट जस्ट टू praise you. My words are drunk with the immortal's wine. अब immortal's wine का मतलब यहाँ पर है कि when you get connected with the supernatural power, when you get connected with the divine power, you get intoxicated with that power. मतलब जिस इंसान को spiritual knowledge मिल जाता है, his mind and his brain remains in the same state. My words are drunk with the immortal's wine. इसलिए जब poet बात करता है, whenever he speaks, whenever the words come out of his mind, वो हमेशा spiritual बातें करते हैं, और his talk is always filled with the divine secrets, we can say. He talks all the time about divinity. तो that's why poet ये कहते हैं कि मेरे शब्द जो है वो अब सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करते हैं। The golden light came down into my heart. अब तेरा स्वर्णिम प्रकाश है वो मेरे हृदय में उतर आया है, मतलब ब्रेन से लेकर थ्रोट, अब थ्रोट से लेकर हार्ट में। स्मिटिंग माई लाइफ विद द इटर्निटी। वैसे तो स्मिटिंग का मतलब आघात करना होता है, यहाँ लेकिन यहाँ पर इम्पैक्टेड है। स्मिटिंग माई लाइफ विद द इटर्निटी। दया मतलब योर्स, इटर्निटी मतलब अनंतता, जिसका कोई एंड नहीं है।
तो तुम्हारी ये गोल्डन लाइट जब मेरे हार्ट तक पहुंच चुकी है, तो इसने क्या किया है कि मेरे जीवन को, माई लाइफ विद द इटर्निटी, तुम्हारी अनंतता से मेरा जीवन जो है वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो चुका है, प्रभावित हो चुका है। नाउ हैज़ इट ग्रोन अ टेम्पल, अब मेरा मन, अब मेरा दिल क्या बन चुका है, एक मंदिर बन चुका है, वेयर दाउ आर्ट, जहाँ तू है। दाउ आर, दाउ मतलब तुम, आर्ट हियर आर, ओके, तो जहाँ तू है, एंड ऑल इट्स पैशंस पेंट पॉइंट टूवर्ड्स ओनली दी, और इसके जो भी पैशंस है, मतलब अभी हार्ट में मेरे जो भी इमोशंस उठते हैं वो सारे सिर्फ तुम्हारी ओर इशारा करते हैं, मतलब जो भी इमोशंस उठते हैं वो सिर्फ ईश्वर के लिए हैं। द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई फिट, अब तुम्हारा ये जो स्वर्णिम प्रकाश है ये मेरे चरणों तक पहुँच गया है। माई अर्थ इज नाउ द प्ले फील्ड एंड द सिट, और अब ये जो धरती है मेरी जिस पर मैं खड़ा हूँ ये अब तेरी क्रीड़ा भूमि है, मतलब यहाँ पर अब जो भी कर्म होने वाला है ये धरती जो वो तुम्हारी कर्म भूमि होगी और तेरा आसन है और यहीं पर अभी आप विराजमान रहोगे। अब इस ये जो लास्ट टू लाइन्स है इसका मीनिंग क्या वो मैं बताती हूँ। जो पोइट ये कह रहे हैं कि इट स्टार्ट्स विद द ब्रेन, इट केम इन टू द थ्रोट एंड द हार्ट एंड अल्टीमेटली टू द फिट, इट मीन्स दैट कि पोइट जो वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हो जाता है, और जब वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हो चुके तो वो ये कह रहे कि उनकी बॉडी जो है नाउ इट हैज़ बिकम द इंस्ट्रूमेंट और इट हैज़ बिकम द मीडियम फॉर द डिवाइन पावर टू परफॉर्म द थिंग्स ऑन दिस अर्थ, मतलब पोइट के थ्रू अब वो डिवाइन पावर जो है वो अपने कर्म करेगी इस धरती पर, और इसी धरती पर अब वो विराजमान रहेगी जब तक कि वो बॉडी में, जब तक वो बॉडी मतलब श्री अरबिंदो जब तक जिंदा है तब तक। तो ये था इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।